बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेटा आज की डिस्कशन में यूनिट वन है एमडी कैट मेजरमेंट, बहुत इजी है। और इसमें जो है वो एज फर एज न्यूमेरिकल्स आर कंसर्न, ज़ाहर है आज से ही हमने स्टार्ट करना है उनको सीखना कि उनमें कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, शॉर्टकट्स कैसे लगाते हैं, वो इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। अब बहुत ईजी है क्वेश्चन नंबर वन, यूनिट ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। अगर कैलकुलेट करना हो तो ये प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूटन का यूनिट पुट करें, आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। अच्छा, इसमें बेस यूनिट में उसने पूछा था, इसलिए ऑल ऑफ दीज आंसर नहीं, आंसर बीटा है। और बेटा कई दफ़ा ना ऑप्शंस में आंसर इस तरह भी हो सकता है, किलोग्राम ओवर मीटर सेकंड स्क्वेयर, सम टाइम कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है, तो आपने विजिलेंट रहना है। क्वेश्चन टू इज ऑल्सो वेरी इजी, इसमें आंसर था चार्लीसों के डेफिनेशन मैंने कहा था आपने रिवाइज करनी है। जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स एस डील्स विद एटॉमिक न्यूक्लियस, अगर ये पार्टिकल फिजिक्स होती देन हम कहते हैं ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स। थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इसमें बेटा अगर देखें तो आंसर इज किलोवाट। याद रखना है पावर होती है एनर्जी ओवर टाइम के इक्विवेलेंट, तो एनर्जी किसके इक्विवेलेंट होता है, पावर इनटू टाइम। पावर का यूनिट होता है किलोवाट, टाइम का यूनिट होता है आवर, तो किलोवाट आवर। इसका मतलब है जब भी पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करें इट बिकम्स अ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो याद ये रखना है कि आपके पास जो है किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है, पावर का यूनिट नहीं है। किलोवाट आवर इज द एनर्जी का यूनिट है, जोल एनर्जी का यूनिट है, अर्ग एनर्जी का यूनिट है, किलोवाट इज द आंसर, कि सिर्फ किलोवाट है यानी वाट यानी पावर का यूनिट है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना है, 1 किलोवाट आवर कितना होता है 3.6 × 10⁶ जूल, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल होता है, 1 अर्ग जो है वो 10⁻¹⁷ जूल होता है, 1 कैलोरी क्या होता है 4.184 जूल के इक्वल होता है। तो ये इसमें से अक्सर क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, आपने आंसर करना है कि ये किलोवाट आवर है, इसमें किलोवाट आवर इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी है। विच ऑफ दम इज लीस्ट सम मल्टीपल, मैंने कहा था ये लर्न करने आपने प्रीफिक्स से, इसमें आंसर आपका ऑटो बन रहा है, ऑटो होता है 10⁻¹⁸, फेमटो 10⁻¹⁵, पीको 10⁻¹⁰, और डेनो 10⁻¹⁹। 5 वाला बेटा सॉल्व करना पड़ेगा, जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है फौरन आप फॉर्मूले पे जाएंगे, उसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओवर कूलम्ब आपका आंसर बन गया, तो राइट ऑप्शन अल्फा ही बन रहा है, बाकी चेक करें तो आंसर नहीं बन रहे। जो आपके पास स्पेसिफिक हीट है वो होती है Q = mc∆T, और उसका यूनिट बनता है जोल पर किलोग्राम पर केल्विन, और मोलर स्पेसिफिक हीट का बनता है जोल पर मोल पर केल्विन, जूल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका आंसर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रेन वैसे यूनिट लेस होता है, और यंग मॉडल्स का यूनिट प्रेशर के यूनिट होता है इन किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब है तीनों ही आंसर आखिरी वाले नहीं बन रहे, अल्फा आंसर बन रहे। नेक्स्ट जो है आपका 6 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइव क्वांटिटी, इसमें आंसर है चार्ज, मैंने आपसे कहा था ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से आपने गलती करनी है, इस वजह से बेटा इस तरह का क्वेश्चन आया, आपको बेस यूनिट पता होने चाहिए। तो बेस यूनिट यहाँ क्या है, जो है वो मास बेस यूनिट है, लेंथ बेस यूनिट है, कंडेला भी बेस यूनिट है, तो चार्ज इज द राइट आंसर, चार्ज जो है ये ड्राइव यूनिट है, बेस यूनिट नहीं है। नेक्स्ट जो है इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा, 7 वाला मैंने कहा था बेटा इसमें वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करके देख लेनी है, और सेकंडली मैंने एक और टिप बताई थी कि हम फॉर्मूला को याद करेंगे, अब देखेंगे v = square root gr होता है, तो यहाँ से v square is equal to, अब टाइम जो है उसके साथ साथ जो है आप लोगों को जो है ये क्लियर होता जाएगा कि ये जो है वो फॉर्मूला वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर कहाँ से आता है। जैसे हम यूनिट नंबर 5 चैप्टर 5 सॉरी पढ़ रहे होंगे ना फर्स्ट ईयर का, उसमें यूनिट आपका बनता है 3 और 4 सर्कुलर मोशन में, जब हम डिस्कस कर रहे होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको ये वैसे ही चीजें याद हो जाती हैं टाइम के साथ साथ। नेक्स्ट जो है ये मैंने लेक्चर में भी बताया था, स्क्वायर रूट एफ ओवर एफ इनटू एल ओवर एम जो है ये वेलोसिटी के इक्वल होता है, इसमें आंसर आपका वेलोसिटी बनेगा। आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। यहाँ देखें फोर्स का यूनिट जो है वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो है लेंथ का यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल आउट करें और बाकी जो है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बचता है, तो वो मीटर पर सेकंड यानी वेलोसिटी के इक्विवेलेंट है। तो 8 वाले क्वेश्चन का आंसर आपका बनता है अल्फा। 9 भाई, अब ये क्वेश्चन आ गया अनसर्टेनिटी से रिलेटेड, अब ये बड़े सिंपल है जी। इसमें अगर आप गौर करें तो आपके पास कहता था मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 0.6% एंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आपने बतानी है। अब आपको पता है यहाँ पावर रूल आपने अप्लाई करना है, पावर फैक्टर जो होता है आप उसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ क्या करते हो, मल्टीप्लाई। अब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है, इसके ऊपर पावर है 3, अब 3 को आप ना रेडियस के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जाहिर है। तो 3 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द रेडियस,
और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द रेडियस इज 0.6%, अब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 1.8%। तो इसमें आंसर बेटा आपका 1.8% बनता है यानी चार्ली। आई होप सो कि ये भी सबका ठीक होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10, इफ एक्स वन इज इक्वल टू 10.5 एंड प्लस एंड माइनस 0.1, एक्स टू गिवन है 0.1 सेंटीमीटर, देन एक्स टू माइनस एक्स वन। अच्छा, इसमें मैंने आपसे कहा था कि चाहे आप जो है ना वो आपकी परसेंटेज आंसर सॉरी यहाँ पर जो है चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, आपकी जो अनसर्टेनिटीज है उन्होंने हमेशा ऐड होना है। तो इसमें देखो कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है क्वेश्चन में, आपने सिर्फ अनसर्टेनिटीज को ऐड करके देखना है। ये देखो अनसर्टेनिटी यहाँ कितनी है 0.1, यहाँ भी अनसर्टेनिटी कितनी है 0.2। चाहे आप इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड करोगे या इन दोनों क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आंसर जो है वो कितना आना है 0.2। अब इन सारी ऑप्शन पे गौर करें, एक ही ऑप्शन है जिसमें 0.2 है, तो आप कैलकुलेट भी करोगे तो आंसर यही आएगा, इसलिए आंसर आपका कौन सा है, बीटा आंसर है। सो ये बेटा आपकी राइट ऑप्शन होगी। चाहे आप सब्ट्रैक्ट करें, चाहे आप जो है इसमें जो है इसको चाहे आप जो है वो ऐड करें, अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड होती है। बेटा ये जिसके बच्चे रो रहे हैं पीछे बैकग्राउंड पे, उससे गुजारिश है कि ये ना प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें, आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। पहले आप ना माइक चेक किया करें अपना जो है बैकग्राउंड पे, जो है माइक बंद करें पहले। अच्छा नेक्स्ट बेटा देखे, इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज इन डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में सिंपल अनसर्टेनिटीज ऐड नहीं होती थी, हमेशा परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं। तो इसमें आंसर आपका कौन सा बन रहा है, अल्फा। सो सिंपल इज आंसर अल्फा। अच्छा नेक्स्ट भी जो है वो सिंपल अनसर्टेनिटी के रूल से रिलेटेड है। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है और इसमें जो पावर फैक्टर है उसको हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पावर फैक्टर 3 है तो वो रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर बेटा यहाँ पे क्या बन रहा है, बीटा आंसर बन रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट जो है ये जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गौर से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आया है जो कि थोड़ा क्रिटिकल होगा, इसमें आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई होगी। देखें जब यूनिट 2 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, साथ साथ मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना भी इंशाल्लाह साथ साथ सिखाऊंगा, यहीं से भी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर जो है वो हमें पता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हैं लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। अब यहाँ लीस्ट काउंट कितना है 0.01 और मेजर्ड वैल्यू कितनी है 0.45 सेंटीमीटर। सबसे पहले चेक करना है कि क्या यूनिट सेम है। अब यूनिट सेम है तो कैंसिल आउट कर दें, अगर यूनिट सेम नहीं है तो पहले यूनिट सेम करेंगे। अब देखो एक बात याद रखनी है, अगर डेसिमल प्लेसेस सेम हो तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। अब देखें यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ भी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, मैंने कैंसिल आउट किया, सीधा सीधा आंसर 1/45 बन गया। अब एक मेथड है जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, और कॉमन सेंस भी कह सकते हैं आप। मैं 1/45 को कैलकुलेट करने के बजाय मैं इसको 1/50 भी लिख सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, ताकि डायरेक्ट आंसर आ जाए। क्योंकि अगर आपको 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए तो ये मेरे पास 2 डिजिट है तो मैं इनको 1 डिजिट तक राउंड ऑफ कर सकता हूँ। मतलब ये 1/45 है तो मैं इसको 1/50 भी लिख लूंगा तो फर्स्ट डेसिमल का आंसर हमेशा ठीक ही आएगा। तो मैं इसको 1/45 के बजाय मैंने 1/50 लिखा। अब मुझे पता है 1/5 0.2 होता है, ये याद होना चाहिए। जैसे 1/2 0.5 होता है तो 1/5 क्या होता है 0.2, तो ये 1/50 है तो ये 0.02 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 2%। तो इसका आंसर बेटा राइट ऑप्शन इज डेल्टा 2%। तो इस तरह से जो है मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन बहुत जगह यूज होगा, नंबर ऑफ टाइम यूज होगा, क्योंकि हम कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे, तो इनशाला साथ साथ मैं आपको सिखाता जाऊंगा। नेक्स्ट तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें परसेंटेज एरर जो है वो आपने फाइंड करनी थी, किसमें रेडियस ऑफ द स्फीयर आपको गिवन है। तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर जो है वो होता है 4πr², सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर जो है वो 4πr² के इक्वल होता है। तो अब देखें यहाँ आर स्क्वेयर है तो पावर फैक्टर इज 2, तो इसको रेडियस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका 0.8% बनता है। तो इसमें आंसर राइट ऑप्शन इज बीटा, सो हेंस आंसर इज बीटा। बेटा नेक्स्ट देखें तो इसमें जो है वो आपके पास इसी तरह का क्वेश्चन है, ये हमने लेक्चर में भी सॉल्व किया था। काइनेटिक एनर्जी में मास और वेलोसिटी में परसेंटेज एरर्स गिवन है, तो मास और वेलोसिटी की परसेंटेज एरर्स आपस में ऐड होंगी और वेलोसिटी के ऊपर चूंकि पावर फैक्टर 2 है आप उसके साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर इज 8%। आई थिंक ये सबका ठीक होगा, आंसर 8% अल्फा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें देखें कि ये वाला जो है इसमें भी उसी तरह से मैं आपको मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन से कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। थोड़ा गौर करना है कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में आपने कैलकुलेशन करनी है।
और यहाँ देखो कि हमें अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने आती है, ये होती है लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। अब लीस्ट काउंट यहाँ बताया हुआ 0.10 और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आर 20, मैंने डिवाइड किया। अच्छा अब ऊपर है 0.10, ठीक है जी। अच्छा अब जरा गौर करें कि यहाँ पर जो है ये मैं इसको 0.10 को क्या लिख सकता हूँ, 10/100 और इंटू 1/20। अब 0 एक कैंसिल आउट करें, नीचे आ गया 1/200। अच्छा 1/2 जो है ये 0.5 होता है, इसका मतलब 1/200 जो है वो कितना हो जाएगा 0.005। तो इसका आंसर 0.005 यानी डेल्टा आंसर बनना है। अगर यही परसेंटेज में पूछा होता, अब जो ओरिजिनल पेपर था मैंने उसमें क्वेश्चन किया है, चूंकि ये परसेंटेज में पूछा हुआ था, परसेंटेज में पूछा होता फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करते और आंसर आपका 0. क्या बनना था, 5%। तो इसमें सिंपल अनसर्टेनिटी आपकी आएगी 0.005 और अगर परसेंटेज आप कैलकुलेट करोगे तो ये 0.5% आंसर आपका बनेगा, ठीक है जी। तो इसमें आंसर आपका 0.5% या 0.005 यानी डेल्टा आंसर बन रहा है। नेक्स्ट इज 17 डायमीटर ऑफ लेंथ एंड सिलेंडर का, और उसमें बताया हुआ है जी कैलिपर से अगर उसको कैलकुलेट करें तो बताएं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द लेंथ। आपको कंफ्यूज करने के लिए लेंथ और डायमीटर दोनों गिवन है, लेकिन पूछी सिर्फ अनसर्टेनिटी लेंथ की है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। अब 0.01 लीस्ट काउंट है, 5.35 जो है उसकी मेजर्ड वैल्यू है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर यूनिट सेम है, मैंने कैंसिल आउट किया। अब फिर से गौर से देखें, ऊपर भी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, नीचे भी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, मतलब ये 5.3 डेसिमल के बाद नीचे भी 2 डिजिट हैं, ऊपर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, इसलिए मैं इनको डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकता हूं, 1/535 आंसर आ गया। अच्छा अब देखो कि बात ये है, फिर से मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, मैं 1/535 चूंकि आंसर आपका 1 डिजिट तक है, सो मैं इसको जो है वो अगर राउंड ऑफ भी कर लेता हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग मैं इसको 1/535 भी जाए 1/ क्या लिखूंगा 500। तो 2 0 इससे डायरेक्ट कैंसिल आउट हुए, आपका 1/5 एन यानी कि 0.2% आंसर आता है। आंसर इसमें कौन सा बनता है, बीटा। सो बेटा यहाँ प्रैक्टिस करनी है आपने ये कैलकुलेशंस की, क्योंकि कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, तो आपको मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन जो है ये चीज़ें कैलकुलेशन करना आना चाहिए शॉर्टकट में कि किस तरह से कैलकुलेशंस हो रही हैं, और वहां पर आंसर हमें प्रेडिक्ट करना है, डायरेक्ट वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर आंसर बड़े क्लोज होते 0.2 0.3 0.4 तब मैं इसको कैलकुलेट करता। अब चूंकि यहाँ पर सिर्फ आंसर क्लोज नहीं है, हमें प्रेडिक्ट करना है, इसलिए मैंने डायरेक्टली जो है इसको मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन अप्लाई किया एंड आई गेट द आंसर। नेक्स्ट है जी बहुत इजी वाले क्वेश्चन, अंडर सेम एनवायरनमेंट जो है कौन सी एरर होती है, वो रैंडम एरर कहलाती है। इसमें आंसर अल्फा बन रहा है। सिस्टम इंटरनेशनल जो है इज बिल्ट अप ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स, इसमें जी 3 काइंड ऑफ यूनिट है, कौन कौन से, बेस, ड्राइव्ड और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सिमिलरली जो है वो इसमें आपके पास 20 वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी, इसमें आंसर है चार्ली वेलोसिटी। बहुत इजी क्वेश्चन था, चार्ली आंसर है। अच्छा पेपर में खास पैटर्न होता है समटाइम्स, जो आपका एमटी कैट का पेपर होता है वहाँ 2 से 3 4 आपके इजी क्वेश्चन होते हैं, अचानक डिफिकल्ट आ जाता है, 2 3 अचानक डिफिकल्ट होते हैं, अचानक ईजी आ जाते हैं। सो उसमें आपका जो टेम्परामेंट लूज नहीं होना चाहिए, उसमें आपकी कंसिस्टेंट रहना चाहिए, आपको नॉलेज के अकॉर्डिंग भी कॉन्फिडेंस वाइज भी। अच्छा होल रेंज ऑफ कलर प्रिंटिंग जस्ट यूजेस जो है ये आपके पास इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, आंसर इज अल्फा 4 कलर्स। नेक्स्ट इज 22, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जो है क्वांटिटीज विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। सो देखो बेटा मैंने आपको सेम जो क्वांटिटीज के पेयर लिखवाए थे कि किन किन के यूनिट सेम होते हैं, अगर आपको याद हो तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी को बोलते हैं, ये प्रेशर के इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया भी प्रेशर के इक्विवेलेंट होता है, तो यूनिट प्रेशर के इक्विवेलेंट है। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज W इक्वल टू QV, किस चीज का फॉर्मूला था, वर्क डन इन आप फाइंड किया करते थे इन मूविंग का चार्ज, W इक्वल टू QV। तो वोल्टेज और चार्ज का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल हो गया, एनर्जी के, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी एनर्जी डेंसिटी बना। इसका मतलब है अल्फा भी एनर्जी डेंसिटी है, चार्ली भी एनर्जी डेंसिटी है, बीटा प्रेशर है, तो ये तीनों ऊपर वाले तीनों का यूनिट क्या होगा, सेम होगा, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसमें बेटा आपका आंसर जो बन रहा है वो है जी, इसमें आंसर आपका बन रहेगा इसमें डेल्टा यानी एंगुलर मोमेंटम। सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर, और एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर के यूनिट सेम होते हैं, चार्ली भी एनर्जी डेंसिटी है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज क्या होता है एनर्जी, और पर यूनिट वॉल्यूम में ये भी एनर्जी डेंसिटी बनेगा।
23 में जी अंडर रूट एल सी टाइम के इक्वल आएगा, ये मैंने आपको पहले ही लेक्चर में कैलकुलेट करवा दिया था, टाइम के कौन कौन से फॉर्मूले बताए थे, आर सी टाइम बनता है, अंडर रूट एल सी टाइम बनता है, एल ओवर आर टी टाइम के इक्वल होता है टाइम कॉन्स्टेंट का इंडक्टर, स्क्वायर रूट एल ओवर जी टाइम के इक्वल होता है, एम ओवर आर स्क्वायर रूट जो है आपको फॉर्मूले बता दिए थे, इनमें से कोई भी टाइम से रिलेटेड आए आप इजीली आंसर दे सकते हो। 24 जी एरर ऑफ एनी मेजरमेंट में अकर ड्यू टू, ये भी बड़ा सिंपल है, इसका आंसर डेल्टा ही बनता है, सारी रीजन लिखी हुई है, सो आंसर इज डेल्टा। 25 जो है यूनिट ऑफ लेंथ कॉन्स्टेंट सेम एज डेट ऑफ, ये भी मैंने आपको सेम क्वांटिटीज के जो पेयर लिखवाए हैं बेटा वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इस डिस्कशन में आप देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड आ रहे हैं, तो इसमें आंसर इज एंगुलर मोमेंटम डेल्टा आंसर है। सो एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कॉन्स्टेंट के यूनिट सेम होते हैं और डायमेंशन भी सेम होते हैं, उसे डायमेंशन हमारे टॉपिक्स में नहीं है, तो सेम यूनिट्स के पेयर आपने लर्न करने हैं। 26 में नंबर ऑफ स्टेरेडियंस इन वन कम्प्लीट स्फीयर कितने होते हैं, 4π, और नंबर ऑफ जो है वो इसमें आपके जो सर्कल में होते हैं और रेडियन जो है वो कितने होते हैं, वो 2π होते हैं। नंबर ऑफ स्टेरेडियन जो है इन वन कम्प्लीट स्फीयर 4π होते हैं और नंबर ऑफ रेडियन इन वन कम्प्लीट सर्कल 2π होते हैं, इसमें आंसर क्या है, चार्ल। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत सारे स्टूडेंट ने लेक्चर के बाद भी पूछा था, इसको जरा बेटा गौर से जरा सुन लें, डिस्कस भी कर लें। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी जो है डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट, इसको जरा डिस्कस करते हैं, देखो गौर से सुनना है। मैं सपोज कर लेता हूँ एक फिजिकल क्वांटिटी 27 का आंसर बीटा है, और फिजिकल क्वांटिटी जो है कोई भी अगर आप मेजर करते हो तो उसकी जो वैल्यू है वह एन यू होती है, एन स्टैंड फॉर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यू उसका क्या होता है, यूनिट। सो एन मल्टीप्लाई बाई यू हमेशा कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, एन मल्टीप्लाई बाई यू हमेशा कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट होती है। फिर से सुन लें, एन मल्टीप्लाई बाई यू यानी न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई यूनिट जो है हमेशा कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। मतलब ये है कहने का कि न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट होती है, जरा गौर करें कैसे। अब डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जाएंगे तो n मल्टीप्लाई बाई यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट ही रहेगा, यानी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। कैसे चेक करते हैं, अब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन्स। अब सिस्टम इंटरनेशनल में न्यूटन फोर्स का यूनिट है और CGS में डाइन्स फोर्स का यूनिट है। अब गौर करना है, न्यूटन अगर यूनिट है तो न्यूटन बड़ा यूनिट है। अब जब यूनिट बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो स्मॉल होगी, और जब यूनिट स्मॉल हो जाएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, वो कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। अब इसकी एक और आसान वाली एग्जांपल लेते हैं, सपोज करें कि ये मेरे पास एक लेंथ है, ये एक इसका मैग्नीट्यूड है, तो लेंथ का एक मैग्नीट्यूड है, मतलब ये 1 मीटर की एक लेंथ है, तो मैं चाहे इसको मीटर में मेजर करूं, चाहे इसको सेंटीमीटर में मेजर करूं, इसको मिलीमीटर में मेजर करूं, तो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, मेथड ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट हो सकता है। देखें कैसे, अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है चूंकि यहाँ यूनिट बड़ा है, अब यूनिट स्मॉल हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। तीसरी चीज देखें, अब यूनिट और छोटा होगा मिलीमीटर, जितना यूनिट छोटा होता जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, तो याद रखना है न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट जो है इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होता है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट होता है जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। इसलिए द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी याद रखना है डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट, और कह सकते हैं कि डज नॉट वेरी विद द सिस्टम ऑफ यूनिट, उसकी वैल्यू सेम रहती है, बस ये होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू कम ज्यादा यूनिट के अकॉर्डिंग होती रहती है, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। नेक्स्ट है जी, आपके पास लाइट ईयर किस चीज का यूनिट है, ये डिस्टेंस का यूनिट है, जाहिर है टाइम का यूनिट नहीं है, ये आप लोगों को क्लियर पता है। और उसके बाद एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 किलोग्राम मास, आप यहाँ इज इक्वल टू mc² वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आंसर कितना होता है 9 × 10^16, फॉर जो इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन था डेल्टा आंसर है। 30 में अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन विच हैज, ये सिंपल है जी, जो प्रिसीजन है वो डिपेंड किस पे करती है, लीस्ट काउंट पे, और या इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे। सो लीस्ट प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब लीस्ट काउंट, लीस्ट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इसका मतलब भी क्या है, लीस्ट काउंट, इसलिए आंसर कौन सा बनता है, डेल्टा। तो प्रिसीजन लिखा हो, लीस्ट काउंट लिखा हो, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखा हो, इसका मतलब एक ही होता है, इसलिए यहाँ बेस्ट आंसर बनेगा डेल्टा, बोथ ए एंड सी।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव इक्विवेलेंट यूनिट्स, ये हम डिस्कस बार बार कर चुके हैं, वर्क और टॉर्क जो इक्विवेलेंट यूनिट है, प्रेशर इलास्टिक मॉडुलस इक्विवेलेंट यूनिट है, स्ट्रेन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के यूनिट लेस होते हैं, इनके भी यूनिट जो है वो इक्वल है, इसका मतलब आंसर कौन सा है, डेल्टा। मोमेंटम और फोर्स जो है इनके यूनिट इक्वल नहीं है, डेल्टा आंसर बनेगा। 32 जी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी गिव्स अस, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बेसिकली जो है वो हमें क्या बताती है, एक्यूरेसी, ये प्रिसीजन नहीं बताती। परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हो, सिंपल आपके पास अनसर्टेनिटी हो, ये हमें एक्यूरेसी की वैल्यू बता रही होती है। 33 में मैंने आपको बताया था आपके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या होता है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, सो ये एनर्जी का यूनिट है। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो मोमेंटम स्क्वायर ओवर मास है, आप इसमें इसके यूनिट्स पुट करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास एनर्जी का आंसर आ जाएगा, आंसर इज अल्फा। वैसे डायरेक्टली फॉर्मूले से पता चल रहा है काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/2p² डिवाइडेड बाय m होती है, 2m होती है, तो ये काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला है, सो इसमें बेटा आंसर आपका अल्फा बन रहा है। नेक्स्ट 34 भी बहुत इजी है, जो अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट क्या होती थी, लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। अब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जितनी बढ़ती जाएंगी ना उतना अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी। अच्छा अब देखो कि यहाँ नंबर ऑफ वाइब्रेशन 10 से कितनी हुई 100, कितने टाइम्स चेंज आया। अगर वाइब्रेशन 10 से 100 हो गई है तो ये 10 टाइम्स चेंज आया है, इसका मतलब है इसकी अनसर्टेनिटी कितने फैक्टर से रिड्यूस होगी, बाय अ फैक्टर 10, यानी डेल्टा आंसर इसमें बनेगा, क्योंकि आपकी 10 टाइम्स वाइब्रेशन इंक्रीज हुई है, 10 से कितनी हो गई थी 100, इट मींस के आपका आंसर जो है यहाँ पर डेल्टा बनेगा, बेस्ट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट इज 35, इसमें भी बहुत सिंपल है, इसमें कहता है जी विच क्वांटिटी हैव डिफरेंट यूनिट फ्रॉम द अदर थ्री, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, यंग मॉडुलस ओवर एरिया प्रेशर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। सो यहाँ पर अगर आप प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया करोगे या यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय एरिया करोगे, वो भी फोर्स ही आना है, वेट इज ऑल्सो अ फोर्स होती है, तो बीटा चार्ली और डेल्टा सेम यूनिट्स हैं, आंसर इज अल्फा, अल्फा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है याद रखिएगा अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है, यंग मॉडुलस ओवर एरिया मतलब फोर्स इज इक्वल होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स क्या होती है प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर की जगह यंग मॉडुलस भी लिख सकते हैं, सो इसमें आंसर बेटा आपका अल्फा बन रहा है, बेस्ट आंसर। नेक्स्ट बहुत इजी है, जितना लीस्ट काउंट होता है ना 36 वाले क्वेश्चन में, याद रखें उतनी ही मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है, सो लीस्ट काउंट अगर 0.01 सेंटीमीटर है तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी 0.01 सेंटीमीटर होगी, बीटा आंसर है। 37 जो है इसमें लेंथ ऑफ द रॉड आपको कह रहा है कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर। मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए लीस्ट काउंट जिस यूनिट में गिवन हो उसी यूनिट में ऑप्शंस होनी चाहिए। अब यहाँ ऑप्शंस हैं सेंटीमीटर में, अब लीस्ट काउंट गिवन है मिलीमीटर में, अब फौरन इसको ना सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। अगर लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है तो ये लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में कितना बनेगा, 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब इनमें से आपका आंसर वो है जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर एरर बन रही है, तो बीटा आंसर बन रहा है इसका। सो देखो लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर, तो इसमें आपका आंसर क्या बनेगा, बीटा। फिर से सुन लें, जो लीस्ट काउंट जिस यूनिट में गिवन हो उसी यूनिट में ऑप्शंस होनी चाहिए, अगर ऑप्शंस डिफरेंट हैं तो आपने लीस्ट काउंट को चेंज कर लेना है। जैसे यहाँ लीस्ट काउंट मिलीमीटर में है मैं फौरन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो आपका सेंटीमीटर में आंसर 0.1 सेंटीमीटर, तो इसमें आंसर आपका जो है वो बनेगा आपका कौन सा, बीटा आंसर बनेगा। नेक्स्ट बेटा जी आपका 38 वाला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी एंड टाइम इज कॉल्ड एक्शन। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन वो दे सकता है खुद से, यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी वो जनरेट कर सकता है। इसमें उसने खुद से जनरेट करने की कोशिश की है कि एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम रख लिया एक्शन, और वो प्रोडक्ट है एनर्जी और टाइम का, बताएं कि इनमें से किसके अकॉर्डिंग वो ठीक है। अब एनर्जी मल्टीप्लाई बाय टाइम मैंने लिख लिया, अब एनर्जी जो है यानी वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो मैंने उसको फोर्स डिस्टेंस लिख लिया। अब आगे देखें फोर्स इनटू टाइम जो है वो किसके इक्वल होता है, इम्पल्स के, और साथ डिस्टेंस है, इसका मतलब है ये इम्पल्स इनटू डिस्टेंस बनेगा। अब ना ये पावर बन सकता है, ना फोर्स वेलोसिटी बन सकता है, ना ये मोमेंटम बन सकता है, इट मींस आंसर इज डेल्टा, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन आपका क्या बन रहा है, डेल्टा आंसर बन रहा है। नेक्स्ट 39 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोजेस द सेम यूनिट एज दैट ऑफ प्रेशर, स्ट्रेस, बल्क मॉडुलस, एनर्जी डेंसिटी, इनके यूनिट सेम होते हैं, हम सेम यूनिट्स के पेयर में बात कर चुके हैं, इसलिए आंसर बेटा इसका आपका कौन सा बन जाएगा, बीटा, और एनर्जी ग्रेडियंट इसका आंसर है। और 40 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम यूनिट्स,
प्रेशर डेंसिटी का यूनिट सेम नहीं होता, स्ट्रेस स्ट्रेन का यूनिट सेम नहीं होता, मोमेंटम इनर्शिया का यूनिट सेम नहीं होता, एक ही बचता है इंपल्स और मोमेंटम, दे हैव द सेम यूनिट्स। सो आई होप सो कि इसमें बेटा मैक्सिमम स्कोर आपका आया होगा इस डिस्कशन में, बहुत ईजी था इसमें एक दो क्वेश्चन के अलावा, बाकी सारे क्वेश्चन आसान थे। इसमें अभी जो है आप दोबारा से इसको गो थ्रू करें, जहाँ जहाँ आपकी मिस्टेक्स आई उनको दोबारा देखें। मैं 5 मिनट्स बाद दोबारा से ऑनलाइन होता हूँ, दोबारा लॉग इन करता हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन होंगे उनका दोबारा से मैं आंसर देता हूँ। और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैंने आई थिंक इसको ऑन की थी, अगर किसी ने मिस किया है या लेट ज्वाइन किया है वो इसकी रिकॉर्डिंग भी बाद में सुन सकता है। अभी आप फौरन से अपनी मिस्टेक्स नोट करें, मैं इसके आंसर रिपीट कर देता हूँ। जो लेट स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन किया, आंसर मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 1 का आंसर बन रहा था बीटा, 2 का आंसर चार्ली, 3rd का आंसर चार्ली, 4 का आंसर अल्फा, 5 का आंसर अल्फा, इसी तरह से 6 का चार्ली बन रहा था, 7 का अल्फा, 8 का अल्फा आंसर बन रहा है, 9 का आंसर चार्ली, 10 का बीटा, 11 का अल्फा, 12 का बीटा, 13 का डेल्टा, 14 का आंसर बन रहा है बीटा, 15 का जो है अल्फा, 16 का डेल्टा, 17 का बीटा, 18 का अल्फा, 19 का बीटा, 20 का चार्ली, 21 का अल्फा, 22 का डेल्टा, 23 का बीटा, 24 का डेल्टा, 25 का भी डेल्टा, 26 का चार्ली, 27 का बीटा, 28 का डेल्टा, 29 का डेल्टा, 30 डेल्टा, 31 का डेल्टा, 32 का अल्फा, 33 का भी अल्फा है, 34 का डेल्टा, 35 का अल्फा और 36 का बीटा, 37 का बीटा, 38 का डेल्टा और 39 जो है इसका आंसर बीटा और लास्ट वन जो 40 है इसका आंसर भी बीटा। अपने अपने आंसर्स चेक करें, जहां पर मिस्टेक्स हुई है उसको अभी रेक्टिफाई करना है, आपने उसको करेक्ट करने की कोशिश करनी है।